हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखिए कि आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। बेटा कल की क्लास में हमने आपको बताया था रिलेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया और मुझे उम्मीद है कि यूनिट वेक्टर निकालना सभी लोगों से आ भी गया होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर निकालना बेटा। उसके बाद यूनिट वेक्टर एक्स से कितना एंगल बनाता है, वाई से कितना एंगल बनाता है, जेड से कितना एंगल बनाता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं ये हमने आपको बताया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा में क्या रिलेशन है, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा में क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हमने आप लोगों से बेटा डिस्कस की। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ भी आई होंगी क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं कि आज हम लोगों को नई चीज़ क्या जाननी है बेटा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंसेप्ट। बेटा कंसेप्ट ये है, अभी यूनिट वेक्टर की बात हमें काफ़ी हद तक और करनी है बेटा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, गौर फरमाइए। कंडीशन हमारे पास में ये है स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे कहा कि भाई यूनिट वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है। ये जो ए के ऊपर कैप मैंने बना रखी है ना, दिख रही है आप लोगों को ए के ऊपर कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है। और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये बेटा हमारे पास में है यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ एल एम और एन इनका नाम है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। बेटा क्या नाम है इनका, इनका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि जो एल होता है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, जो एम होता है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है और जो एन होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है। अब सवाल उठता है कि अल्फा बीटा और गामा क्या है। भाई मान लो कि हमारे पास में कोई वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसे हम नाम देंगे अल्फा, वो वेक्टर वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसे हम नाम देंगे बीटा और वो वेक्टर जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, देखिए स्टूडेंट, वो वेक्टर जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो हमारा कहलाएगा बेटा गामा, वो हमारा कहलाएगा गामा। समझ आ रही है स्टूडेंट, वो हमारा गामा कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं हम लोग, ज़रा देखिए, अल्फा एक्स एक्सिस, बीटा वाई एक्सिस और गामा जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल है। अब तीन रिजल्ट हैं बेटा मेरे पास में, तीन रिजल्ट। क्या है तीन रिजल्ट? पहला रिजल्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में ये स्टूडेंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। जो सेकंड रिजल्ट है हमारे पास में वो ये है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और इन सब का सम रहेगा वन के इक्वल। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और इन सब का जो सम रहेगा वो वन के इक्वल रहेगा। ठीक है बेटा, और थर्ड है हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ है साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ है साइन स्क्वायर गामा और इन सब का सम रहेगा बेटा टू के इक्वल। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है बेटा। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जब आपने यूनिट वेक्टर बना लिया ना स्टूडेंट, उसके बाद की स्थिति है बेटा ये। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर बनेगा कैसे, भाई यूनिट वेक्टर बनेगा कैसे? यूनिट वेक्टर ऐसे बनेगा बेटा, मान लो कि तुम्हारे पास में कोई वेक्टर है ए, पहले क्या करोगे तुम, उस वेक्टर का मॉड निकालोगे, निकाल दिया मॉड, और उस ए वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर दोगे। तुम्हारे पास में कोई वेक्टर है ए, पहले तुम एक काम करोगे उस वेक्टर का मॉड निकालोगे और ए वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे, तो ऐसे ही तुम्हारे पास में निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। इसकी जांच करने का तरीका यह है कि जो तुमने यूनिट वेक्टर बनाया है ना स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होना चाहिए।
ये जो तुमने यूनिट वेक्टर बनाया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेटा बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि आप ये समझिए कि आगे जो प्रॉब्लम्स बनेंगी आप लोगों के पास में वो इसी के ऊपर बनेंगी, इसी के ऊपर बेस्ड बनेंगी, तो इन्हें करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेटा बताता हूँ अब कुछ एग्जाम्पल्स। जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया आप उस समय वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है ज़रा देखिएगा आप लोग। भाई फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि एक वेक्टर हमें दे रखा है, वो 30 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से एंगल। ठीक है, एक वेक्टर हमें गिवन दे रखा है कुछ ऐसे। देखो मैं डायग्राम ही बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। बेटा डायग्राम ये है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास में जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो ये हो गया है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये है अपने पास में जेड एक्सिस। यहाँ हमें गिवन दे रखा है एक वेक्टर, ये हमें एक वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब ये कहा कि ये जो वेक्टर है ये यहाँ से बनाता है 30 डिग्री एंगल, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाता है और वाई एक्सिस से बनाता है 60 डिग्री एंगल। दिख रहा है बेटा, एक्स एक्सिस से बनाता है 30 डिग्री, वाई एक्सिस से बनाता है 60 डिग्री, वेक्टर का नाम है ए, आपको बताना है कि ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। ये है बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में, आपको बताना है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय, फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आप लोगों को ये बताना है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एक्स एक्सिस से बन रहा है हमारे पास में 30 डिग्री एंगल। अब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा हो गया है 30 डिग्री। अच्छा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है बेटा? वाई एक्सिस से बन रहा है 60 डिग्री एंगल, और वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं बीटा। तो बीटा हो गया है हमारे पास में 60 डिग्री, अल्फा हो गया है हमारे पास में 30 डिग्री, और बीटा हो गया है हमारे पास में 60 डिग्री। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात। अल्फा है 30 डिग्री और बीटा है 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि गामा कितना होगा, आपको गामा की वैल्यू बतानी है बेटा। और गामा एंगल कहाँ से बनता है? गामा एंगल बनता है जेड एक्सिस से। आपको गामा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और गामा हमारा बनता है जेड एक्सिस से। अब आप ये देखो स्टूडेंट कि अल्फा बीटा और गामा में हमने एक सुंदर सा रिलेशन बनाया है, और वो रिलेशन क्या है बेटा? वो रिलेशन है हमारे पास में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन बनाया है बेटा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और हमें चाहिए यहाँ पर गामा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मैंने अल्फा की जगह पुट कर दिया है 30 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री, और वहाँ है गामा। चलिए बेटा अब हम लोग बनाते हैं आंसर। देखो कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू है हमारे पास में 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये है हमारे पास में कॉस स्क्वायर गामा, और ये वैल्यू निकल कर आएगी 1। इसके बाद देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4,
और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, और यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर गामा, और ये बनेगा 1 के इक्वल। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो करो ऐड, 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास में आती है कॉस गामा इक्वल टू 0, और कॉस के अंदर जो जीरो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 90 डिग्री की होती है। कॉस के अंदर जो जीरो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो हम ये कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि भाई x से तो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, y से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, और z से बनेगा 90 डिग्री का एंगल। जो हमारा z एक्सिस है ना स्टूडेंट, z एक्सिस, वहां से ये वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों को क्या बता कर जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, इसीलिए मैं एक बार और रिपीट करा रहा हूं आप लोगों को। एक कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, 1, -1 और 1। ठीक है बेटा, यहाँ एक और कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, यह है 3, 1, और यहाँ है 4। ठीक, हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे आता है बेटा, ध्यान से, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। आपको ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए बी की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी को ही निकाल लेते हैं कि भाई ए बी कितना होगा हमारे पास में, ए बी होगा कितना हमारे पास में। देखो ए बी का मतलब है ये वाला वेक्टर भाई, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हेड में से टेल को माइनस करते हैं, 3 में से माइनस करेंगे 1 को, 2 इसके पीछे आई कैप, 1 में से माइनस करेंगे -1 को, यहाँ आएगा 2 इसके पीछे जे कैप। आपको पता है आई कैप कहाँ लगाते हैं, जे कैप कहाँ लगाते हैं, 4 में से 1 करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 के कैप। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में आ गया ए बी वैक्टर इक्वल टू, ए बी वैक्टर इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप। ये हमारे पास में बन चुका है स्टूडेंट रिलेटिव वेक्टर। अच्छा, क्या पहचान होती है रिलेटिव वेक्टर की? रिलेटिव वेक्टर की पहचान होती है एरो का साइन, जहाँ एरो का साइन होगा वो हमारा रिलेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमारा रिलेटिव वेक्टर बन चुका है, अब हम निकालेंगे इसका मॉड। ठीक है, चलिए मॉड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आई के सामने है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जे के सामने है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, के सामने है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है बेटा, आंसर बन गया हमारे पास में अंडर रूट 17। ये हो गया है रिलेटिव वेक्टर और ये हो गया है इसका मॉड। अगर हमें ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो यह है बेटा मतलब, बात समझ में आ रही है? अगर हमें ए बी की डायरेक्शन में निकालना है तो ए बी की डायरेक्शन में निकालने का मतलब है कि हमें ए बी कैप निकालना है। अगर हमें ए बी की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मतलब यह है कि हमें ए बी कैप निकालना है। क्या निकालना है? ए बी कैप। अब कैसे निकलेगा ए बी कैप? ए बी कैप निकलेगा, ए बी वेक्टर को आप इसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए बेटा।
ए बी वेक्टर को आप इसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए ए बी वेक्टर कितना है आपके पास में, ये रहा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ है हमारे पास में मॉड ए बी, और मॉड ए बी की वैल्यू है अंडर रूट 17। मॉड ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है अंडर रूट 17। सो ए बी कैप इज इक्वल टू, रिजल्ट आ गया है बेटा हमारे पास में 2 अपॉन अंडर रूट 17 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 के कैप। लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया है बेटा, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया है, ध्यान से, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया है इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, ये हमारा यूनिट वेक्टर है ए बी की डायरेक्शन में। अच्छा बताओ ये क्या कहलाएगा, ये बताओ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, L की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन अंडर रूट 17, और आप इसे कॉस अल्फा के बराबर भी लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा M, और M की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास में 2 अपॉन अंडर रूट 17, आप इसे कॉस बीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा N, और इसकी वैल्यू आ गई है 3 अपॉन अंडर रूट 17, और आप इसे कॉस गामा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो बेटा L निकल गया है इतना, M निकल गया है इतना, और N निकल गया है इतना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम देते हैं बेटा नाम डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं ना बेटा कि जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, सही आंसर है या नहीं है, तो आंसर की पहचान करने का तरीका ये है, अपने आंसर को चेक करने का तरीका ये है, एल का स्क्वायर करिए, एम का स्क्वायर करिए, एन का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, और अगर ऐड करने के बाद ये 1 के इक्वल आ गया, एल की वैल्यू इतनी है स्क्वायर कर दो, एम की वैल्यू इतनी है स्क्वायर कर दो, एन की वैल्यू इतनी है स्क्वायर कर दो, और अगर जोड़ने के बाद ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है, कोई कमी नहीं है तुम्हारे आंसर में, और अगर ये 1 के बराबर नहीं आई तो तुमने कहीं पक्का गलती कर रखी है, उस गलती के अंदर सुधार करो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हम लोगों से पूछी जाएगी बेटा, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास में, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हुज मैग्नीट्यूड इज, हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से खूब पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और नीट और जेई में खूब मिलेगा आपको ऐसा सवाल, है बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन पूछा जाता है। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, जब भी आप लोगों को ये कहा हो कि ए बी की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना है तो ये समझ लो कि ए बी के यूनिट वेक्टर का यूज होने का समय आ गया है। जब भी आप लोगों से ये कहा हो कि ए बी की डायरेक्शन में या बी सी की डायरेक्शन में या सी डी की डायरेक्शन में या कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है कि भाई उसकी डायरेक्शन में हमें वेक्टर निकालना है, तो आप ये समझ लो कि यूनिट वेक्टर को यूज़ करने का समय आ गया है। अगर आपको ए बी की डायरेक्शन में निकालना है ना बेटा तो हम यूज़ करेंगे ए बी कैप का, समझ आ रही है बात। अच्छा अब उसने ये कहा आपको एक वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, जो वेक्टर आपको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है,
और इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। तो इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर हो गया हमारे पास में, इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर हो गया हमारे पास में, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये निकल गया हमारा P यानी अननोन वेक्टर, ये हमारा अननोन वेक्टर निकल गया बेटा। ऐसे हम लोग निकालेंगे आंसर। मतलब प्रॉब्लम को एक बार समझिए आप ध्यान से, उसने ये कहा इसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है। जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें कोई वेक्टर निकालना हो तो उसके यूनिट वेक्टर का हम यूज़ करते हैं, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5, तो 5 में हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो बेटा देखो क्या आंसर बनेगा हमारे पास में, P वेक्टर इज इक्वल टू 5। हाँ भाई बच्चों, ए बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कैप को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। अब आप देखो, मैंने यहाँ लिखा P वेक्टर इज इक्वल टू, ये है मेरे पास में 5, ए बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए बी वेक्टर है। इसका मॉड कितना हो जाएगा, आई के सामने क्या है 1 1 स्क्वायर 1, यहाँ क्या है 1 1 स्क्वायर 1, यहाँ क्या है 1 1 स्क्वायर 1। तो बेटा देखो फाइनली जो हमारे सामने आंसर निकल कर आया वो ये निकल कर आया, P वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप डिवाइडेड बाय √3। इसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो ये होगा, इसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो ये वेक्टर होगा बेटा हमारे पास में। ठीक है, करिए नोट डाउन जल्दी से, मैं एक और क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बताता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास में, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस के j कैप प्लस k कैप। देखो इसकी डायरेक्शन में निकालना है बेटा, इसकी डायरेक्शन में, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस whose magnitude is 10 यूनिट। ठीक है, हमें एक अननोन वेक्टर निकालना है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड तो है 10, कितना है मैग्नीट्यूड 10, और इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। मैंने कहा कि भाई वो अननोन वेक्टर है x, जब मुझे पता नहीं है तो मैंने x मान लिया उसे, ठीक है, और इस वेक्टर को मैंने मान लिया है, ये जो वेक्टर दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को, इस वेक्टर को मान लो कि मैंने मान लिया है p वेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, x वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 10, और किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन में, तो इसका ले लेंगे हम कैप, पी कैप, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 10 पी कैप। अब आप देखो बेटा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 10, अब पी कैप कैसे निकालेंगे, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड पी। ठीक है, देखो आगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 10, बताइए पी वेक्टर कितना है आपके पास में, P वेक्टर है 2i कैप माइनस के j कैप प्लस k कैप एंड डिवाइडेड बाय मॉड कितना आएगा बेटा इसका निकल कर, जरा देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1। सो करेक्ट आंसर इज x वेक्टर इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 20i कैप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस के 10j कैप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 10k कैप, और आंसर निकलेगा बेटा हमारे पास में √6,
यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो है 10, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और किसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में है, वो वेक्टर हमारा ये होगा बेटा। समझ आ गई बात? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये समझिए आप। ऐसे क्वेश्चन आपको खूब करने के लिए मिलेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन के साथ वेक्टर का जितना भी बेसिक काम था हमारा वो सब फिनिश हो गया। वेक्टर क्या है, वेक्टर कितने टाइप का है, डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक्स से कितना एंगल बनता है, वाई से कितना बनता है, जेड से कितना बनता है, उनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे किसी की डायरेक्शन में, जितने भी बेसिक बातें थी वो हमने सब डिस्कस कर ली है बेटा, ठीक है। तो वेक्टर का बेसिक काम हो गया है हमारा फिनिश। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, और देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अलजेब्रा इन वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास में अलजेब्रा इन वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत। बस यही ये समझ लो कि इस चैप्टर में यही सीखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर इस चैप्टर में कुछ हमें सीखना है तो वो यही है, अलजेब्रा इन वेक्टर्स। अब अलजेब्रा में वैसे तो सबसे पहले आना चाहिए एडिशन, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। नंबर टू पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसी के साथ साथ एक सब टॉपिक हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। और तीसरे नंबर पर हमारे सामने आएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। नंबर चार पर हमारे सामने आएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लो मेरा बेटा, ये चार चीज़ें अब हमें पढ़नी है, बस ये समझिए कि इन चार चीज़ों को पढ़ने के बाद चैप्टर हमारा फिनिश। सिर्फ ये चार चीज़ें हमारे पास में बची हैं, लेकिन चारों चीज़ें पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। तो बेटा ये चार चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और ये है हमारे पास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या इसे हम दूसरा नाम देते हैं कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हम इसे दूसरा नाम देते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये है हमारे चार सब टॉपिक जिनके बारे में हमें जानना है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। देखो बेटा, पहला जो टॉपिक है हमारे पास में वो है मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, और जानते हैं कि वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। देखो बेटा, हम वेक्टर के अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तीन रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है बेटा हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट। एक है हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। दूसरा है हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम दूसरा नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है बेटा। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर यह है हमारा थर्ड पॉइंट, हम मल्टीप्लाई करने के लिए इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे बेसिक वाला, यानी सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है, यह है नंबर वन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला, यह है नंबर टू, और सबसे आखिर में पढ़ेंगे हम ये हो गया हमारे पास में नंबर थ्री, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर फर्स्ट वाले को हम लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। चलिए देखिए स्टूडेंट बेटा, पहला ही टॉपिक हमारे पास में आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। देखो वैसे तो बहुत ही बेसिक बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ बेटा। जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई वेक्टर है p वेक्टर, ठीक है, और यहाँ एक नंबर दे रखा है 5, ठीक, और यहाँ है मेरे पास में a वेक्टर, यानी ये जो 5 है ना बेटा हमारे पास में, ये तो है कॉन्स्टेंट, और ये जो a है ये है हमारे पास में सिंपल वेक्टर, ठीक है। अब a की जो वैल्यू हमें दे रखी है, बेटा वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मान लेते हैं कि a की वैल्यू ये है। चलिए अब कैसे निकालेंगे आंसर, p वेक्टर इज इक्वल टू, भाई यहाँ तो लिखा हुआ है 5, ये तो कॉन्स्टेंट है, a वेक्टर कितना है हमारे पास में ये रहा, यहाँ पुट कर दीजिए i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। समझ आ रही है बेटा बात, हमने a की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब जैसे ही हमने a की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा तो p वेक्टर बन गया हमारे पास में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे i के अंदर तो ये बन गया 5i कैप, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे j के अंदर ये बन गया हमारे पास में 5j कैप, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे k के अंदर और ये बन गया हमारे पास में 5k कैप। इस तरीके से किसी नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी वेक्टर में करते हैं, बहुत आसान बात। जैसे आप सिंपल एलजेब्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और किसी भी कॉन्स्टेंट या कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आप लोगों को ऐसे ही करना है बेटा। इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। उम्मीद है कि बहुत मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट प्रोडक्ट की, ठीक है। चलो देखो अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, यानी मल्टीप्लाई करने का जो अगला रूल है हमारे पास में बेटा, इसे हम लोग नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, या ये हमारा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए आप लोग ध्यान से, क्या तो हम इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या हम इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन क्या है, मतलब इसे हम कैसे समझेंगे। देखो बेटा मान लो कि कोई वेक्टर आपको दे रखा है, ये वेक्टर है हमारे पास में, अगर हम इस वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी दूसरे वेक्टर में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तरीका वो है कि जब एक वेक्टर की मल्टीप्लाई हम दूसरे वेक्टर में करेंगे तो आंसर ना हमारे पास में बेटा क्या आएगा, आंसर हमारे पास में स्केलर आएगा। आप समझिए भाई, वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती हैं, यानी ये आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में होगा, ये भी
आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में होगा। लेकिन जो आंसर आएगा उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं होगा, उसमें आंसर में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। तो ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, और जब हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट किया या हमने इनका स्केलर प्रोडक्ट किया तो आंसर आया हमारा स्केलर, यानी आंसर में आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं होगा। बीच में ये जो डॉट आ रहा है बेटा, इसी डॉट की वजह से हम लोग इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। यानी कुछ इस तरीके से काम होगा स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ ऐसे होगा काम, कुछ ऐसे होगा। मान लो कि मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास में दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, और मैं इनके बीच में निकाल रहा हूँ डॉट। तो डॉट निकालने के बाद में जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं होगा, ये मात्र एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा? मात्र एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर होती है हमारे पास में स्केलर। नंबर हमारे पास में कैसा होता है? नंबर होता है हमारे पास में स्केलर। यानी आप ये समझिए कि भाई ये है हमारे पास में वेक्टर और ये भी है हमारे पास में वेक्टर, लेकिन आंसर कैसा आया हमारा? आंसर आया हमारा स्केलर। ये हमारा कहलाएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उम्मीद है कि डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। यानी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करके स्केलर निकालते हैं, ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब इस प्रोडक्ट को करने के लिए कुछ रूल्स हैं, मैं वो रूल्स यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। रूल्स ये हैं, अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनती है आई डॉट आई, ये कंडीशन बनती है जे डॉट जे, ये कंडीशन बनती है के डॉट के, चाहे आई डॉट आई बने, जे डॉट जे बने या के डॉट के बने, ये सारी वैल्यूज़ आपकी वन कहलाएंगी। जहाँ भी आई डॉट आई बनेगा उसे वन कहेंगे बेटा आप, जे डॉट जे बनेगा उसे भी वन कहेंगे आप, के डॉट के बनेगा उसे भी आप वन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी बनता है, जैसे कि ये बन गया आई डॉट जे या बन गया आप लोगों का जे डॉट के, यानी अगर दोनों वेक्टर डिफरेंट होते हैं, ये भी अलग ये अलग, ये आई है ये जे है, ये जे है ये के है, और यहाँ आता है के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इस कंडीशन का आंसर होगा बेटा हमारे पास में ज़ीरो। अगर दो सेम वेक्टर के बीच में हम डॉट निकालते हैं तो आंसर आएगा वन, और अगर दो डिफरेंट के बीच में हम डॉट निकालते हैं तो आंसर आएगा ज़ीरो। ये कंडीशन होगी बेटा हमारे पास में। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आई होगी, पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया है आप लोगों ने? तो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा है बेटा, हम लोगों ने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हैं, जरा देखिए आप लोग ध्यान से। भाई सबसे पहले तो हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन मेडिकल में और आई टीज में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास में बच्चों? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में ये, मैंने दोबारा से आपको इस तरीके का एक एग्जांपल बताया कि दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, पहले हमने रिलेटिव वेक्टर निकाला, फिर मॉड निकाला, फिर यूनिट वेक्टर निकाला, फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकाली और उन्हें इसके बराबर रखा। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने निकाला है एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 5, हमने एक वेक्टर निकाला है इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 5, 5 को रखेंगे आगे जितना भी उसका मैग्नीट्यूड है, और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर हम लोग रखेंगे पीछे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट
यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वेक्टर वाला जो चैप्टर है इसमें अलजेब्रा यानी ऑपरेशंस कैसे कैसे आएंगे। तो चार ऑपरेशंस हम लोग जर्नली पढ़ते हैं वेक्टर में, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और तीसरा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। इस चैप्टर की जो खास बात है वो इन चार पॉइंट के अंदर ही है बेटा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टर्म ये मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास में तीन टाइप का। पहले को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेक्टर। फिर सबसे पहले हमने ये पढ़ा बेटा, ठीक है, कि कैसे हम एक कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई वेक्टर में अंदर कर सकते हैं सिंपल तरीके से, जैसे आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है। 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कंडीशन हमारी बन जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा, यह है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट, या हम लोग इसे नाम देते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। कैसे हम लोग इसके अंदर काम करते हैं ये सारी बातें आप लोगों को बताई गई है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा स्टूडेंट, बाकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बार बार आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ बेटा, आप लोग इसे बहुत सीरियसली ले, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। जो हमने NCERT सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई है उसे आप लोग ज़रूर देखें स्टूडेंट, ज़रूर देखें, क्योंकि उस NCERT सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कराएंगे। आप ये समझिए कि आपके स्कूल एग्ज़ाम पर तो शानदार पकड़ हो ही जाएगी, आपका नीट एग्ज़ाम, आपका JEE एग्ज़ाम, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, बहुत अच्छी पकड़ आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना लेंगे अगर आप अपने NCERT के लेक्चर्स को देखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।